तो चलिए सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश लगातार जुड़े हुए हैं जो एक एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश, सबसे अहम यह है क्योंकि पिछली सुनवाई में यह कहा गया कि संविधान के बुनियादी ढांचे को भी कहीं ना कहीं से इसमें मिसबिहेव उसके साथ किया गया है, लेकिन उसको लेकर भी एएसजी राजू की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं थी। मैं चाहूंगा एक बार आप ब्रीफ करें कि क्या कुछ दोनों पक्षों की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा गया था जो केजरीवाल को शायद राहत दे दे। देखिए, सवाल यही उठाया गया था कि जिस समय गिरफ्तारी हुई वो टाइमिंग गलत है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, हमारी पार्टी को प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा, ये कन्वीनर है पार्टी के, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। जबकि ईडी का कहना था कि इसके पहले हमने 9 समन दिया था और जब पहला समन दिया था इसमें 1.5 साल पहले इनको समन दिया गया था और उस समय ये मौजूद नहीं हुए थे, तो लगातार समन को वायलेट कर रहे थे। इसके समन को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट भी ईडी गई थी, जिस पर कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इनको जमानत दी और वेलेबल ऑफेंस था उस मामले में। तो ये सारी चीजें ईडी ने कहा कि हम तो इनसे लगातार पूछताछ की बातें कर रहे थे लेकिन खुद नहीं आ रहे थे और तमाम सबूत मिलते हैं, अपने मोबाइल का इन्होंने पासवर्ड नहीं दिया, तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं जिसको कि अभी एग्जामिन करना है। और बिल्कुल अखिलेश, बहुत लंबी बहस चली थी, याद है मुझे भी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप इस खबर पर नजर अपनी बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। उनके समर्थक बेचैन है और कोई ये कह रहा है कि उनकी पत्नी केतकी सिंह को टिकट मिल सकता है या फिर उनके बेटे करण या फिर प्रतीक भूषण के टिकट पर भी मुहर लग सकता है, लेकिन फिलहाल सस्पेंस बरकरार है जिस सस्पेंस का हम जिक्र कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, ब्रजभूषण के टिकट पर सस्पेंस लगातार जारी है। क्या कैसरगंज से बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी या फिर नहीं, और अगर टिकट देती भी है तो उनके परिवार में उनकी पत्नी या फिर उनके बेटे को टिकट तो नहीं देने वाली है बीजेपी, क्योंकि अभी तक कैसरगंज से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर खुलासा नहीं हुआ है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र नाम उनकी पत्नी और उनके बेटे करण भूषण का चल रहा है, लेकिन उनके समर्थक ये चाह रहे हैं कि टिकट ब्रजभूषण को ही मिले। कब तक उनके समर्थकों का ये इंतजार खत्म होगा, क्या लगता है आपको राघवेंद्र? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 12 ऐसी सीटें हैं जिसकी घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन ये सीटें वो हैं जिनके चौथे चरण में, पांचवें चरण में या लास्ट के चरण में जिनका नंबर आता है। तो लगातार इन 12 में से जो एक सीटें हैं उस पर विवाद चल रहा है, वह है कैसरगंज की सीट। इस पर विवाद यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी अड़े हैं कि टिकट उनको दिया जाए, चूंकि वो कहते हैं कि मैं यहाँ काम किया हूँ, लगातार यहाँ से मैं चुना जाता हूँ, मेरी यहाँ पर लोकप्रियता है, लोग मुझे पसंद करते हैं। रही बात जो आरोप प्रत्यारोप की जो बातें हुई हैं वो कोर्ट में उसका सामना मैं कर रहा हूँ, लगातार हर डेट पर जाता हूँ और दिल्ली में चाहे कोई मामला हो या उत्तर प्रदेश में, उसका वो वहाँ पर लीगल तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं, तो उस पर अभी कोई निर्णय आया नहीं है। लेकिन जो टिकट का जो मामला है, केसरगंज का जो मामला है, वह भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके ऊपर छोड़ रखा है कि आप क्या कहते हैं कि बताइए कि किसको टिकट दिया जाए। बीजेपी भी उनके ऊपर खेल रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वह यह टिकट अपने पत्नी के नाम डाइवर्ट करा सकते हैं, अपने बेटे के नाम करा सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से हटके, विवाद से हटके किसी नए चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। लेकिन केसरगंज में, गोंडा में लड़ाई बहुत तेजी से चल रही है टिकट को लेकर। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, एक बार यह भी कहा गया था कि वो समाजवादी पार्टी के भी संपर्क में, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो सपा ना ज्वाइन कर ले, लेकिन माहौल को देखते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह फैसला लेंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, सपा की तरफ रुझान और समाजवादी पार्टी का रुख करना, ये उम्मीदें शायद बहुत कम है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा उनके इलाके में है, खासतौर पर देवीपाटन मंडल की, वो तमाम सीटें बीजेपी खुद चाहेगी कि उन सीटों पर मजबूती के साथ जीत बीजेपी को हो। फिलहाल राघवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।
दरअसल कैसरगंज लोकसभा सीट जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद हैं, तमाम तरह के उनके ऊपर एलिगेशन जरूर लगे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार कैसरगंज से सीट किसे देगी और किसके चेहरे पर बीजेपी इस बार दांव खेलने वाली है, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। ब्रजभूषण के समर्थक ये मानकर चल रहे हैं कि टिकट ब्रजभूषण को ही मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी और उनके बेटे को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। टिकट पर सस्पेंस को लेकर अपनी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैसरगंज की रणभूमि में कौन टिकट पर अड़े ब्रजभूषण शरण, इंतजार की घड़ी, समर्थक बेचैन। यूपी की कैसरगंज सीट से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हालांकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बीजेपी नेतृत्व उनकी पत्नी केतकी सिंह को टिकट दे सकती है, लेकिन बीजेपी सांसद ब्रजभूषण खुद ही कैसरगंज से मैदान में उतरना चाहते हैं। हालांकि पत्नी के टिकट मिलने पर ब्रजभूषण बैकफुट पर जा सकते हैं, ऐसे में कैसरगंज का गणित बदलने की संभावना भी जताई जा रही है। बीजेपी ने लोकसभा के लिए यूपी की ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि रायबरेली, मैनपुरी और कैसरगंज समेत 12 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद ब्रजभूषण पिछले दिनों पहलवानों के यौन शोषण मामले में घिरकर विवादों में फंस गए थे। देश के प्रमुख पहलवानों ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया था, उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए बीजेपी अभी ब्रजभूषण के नाम पर कोई मुहर नहीं लगा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट में यूपी से कई दिग्गजों के नाम थे, लेकिन उसमें ब्रजभूषण को जगह नहीं मिली। इसके बाद यूपी को लेकर एक और लिस्ट आई तो उसमें भी कैसरगंज सीट से उम्मीदवार का नाम गायब रहा। ऐसे में साफ है कि बीजेपी नेतृत्व ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह किसी और को टिकट देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। रिपोर्टर धमाका में देश भर के चप्पे चप्पे से हमारे रिपोर्टर आप तक ग्राउंड जीरो पर एक एक तस्वीर, एक एक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या है, दरअसल आपको बता दें हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर 13 प्रमुख तरसेम सिंह की हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। एनकाउंटर में आरोपी हरिद्वार एसटीएफ में ढेर हो गया है, ये बड़ी खबर। आपको बता दें हरिद्वार में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में डेरा प्रमुख तरसेम सिंह हत्या मामले में मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह ढेर हो गया है। बड़ी कामयाबी उत्तराखंड एसटीएफ के हाथों। सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, रतन नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन, मैं चाहूंगा इस एनकाउंटर को लेकर पूरी डिटेल क्या है आप दर्शकों को बताएं, किस जगह एनकाउंटर हुआ, कहां पर एनकाउंटर हुआ और डीजीपी ने जो डिटेल दी है वो डिटेल क्या है। रतन देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भूषण धामी लगातार 28 मार्च को जब श्री नानक बत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार से प्रमुख तरसेम सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तभी से उन्हें डीजीपी को सख्त निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और कानून तेजी से अपना काम करे। मुख्यमंत्री भूषण सिंह धामी के निर्देश पर डीजीपी के तमाम अधिकारी को निर्देश थे। एसआईटी की जांच भी यहां पर गठित की गई थी और अब उत्तराखंड में चर्चित बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। जो जानकारी हमारे पास है, हरिद्वार में कलियर रोड और भगवानपुर के बीच में एसटीएफ और पुलिस को साफ सुथरा अमरजीत सिंह और बिट्टू के बीच यह मुठभेड़ हुई है। जानकारी यह मिली है कि अमरजीत सिंह के बारे में एसटीएफ को खुफिया यहां पर जानकारी मिली थी और इस जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ ने वहां पर उसको घेरा और अमरजीत सिंह ने वहां से भागने का प्रयास किया और गोली चलाने लगा। इसी मुठभेड़ के बीच पुलिस ने भी बचाव में गोली चलाई और गोली चलाने के दौरान यहां पर उसका एनकाउंटर हो गया, जबकि एक जो आरोपी है वो इस वक्त फरार है। तो कह सकते हैं कि जो मुख्य आरोपी है अमरजीत सिंह, उसका एनकाउंटर यहां पर हो गया क्योंकि उसने पुलिस पर गोली चलाने का यहां पर प्रयास किया था। पुलिस ने आत्महत्या के दौरान उस पर यहां पर फायर कर दिया, उसको यहां पर इसमें उसकी उसका एनकाउंटर यहां पर हो गया। इसके साथ अगर बात की जाए तो दूसरा हत्यारा यहां पर फरार है। बिल्कुल रतन, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ ये बहुत बड़ी जो है वो सफलता लगी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने
गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी है। तो बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, गिरफ्तारी की याचिका पर आज लंबी सुनवाई के बीच फैसले का दिन है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है। अरविंद केजरीवाल को क्या यहां से कोई राहत मिलती हुई नजर आएगी, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी बहस दोनों पक्षों की तरफ से चली थी। वो करोड़ों का मनी ट्रेल और उस मनी ट्रेल में अरविंद केजरीवाल की सहभागिता क्या थी, इसको डिटेल रूप से एक बार कोर्ट के अंदर फिर बताया गया था। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। अखिलेश, बहुत लंबी बहस हुई थी इस याचिका पर और आज फैसले का दिन है, कितनी उम्मीदें अरविंद केजरीवाल को, और क्या यह कहा जा सकता है कि केजरीवाल के लिए आज का दिन शायद कोई अच्छी खबर लेकर आए? अखिलेश वैभव, अगर हम आपको बताएं कि पिछला अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, इसी ग्राउंड पर संजय सिंह ने भी अपनी याचिका हाईकोर्ट में डाली थी और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है और संजय सिंह को राहत नहीं मिली थी। ये जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और ये गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। ये जमानत की याचिका नहीं दाखिल की गई है वैभव, ये गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो निचली अदालत ने ईडी कस्टडी में दिया था पहली बार, वो भी इल्लीगल है, इसलिए इस दोनों को रद्द किया जाए और एक तरह से उनको छोड़ा जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब अभी जांच चल रही है, ईडी ने बार बार ये कहा कि अभी जांच चल रही है, 45 करोड़ का मनी ट्रेल सीधे सामने आया है जो गोवा चुनाव में खर्च किया गया है। हालांकि केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने ये सवाल जरूर किया कि टाइमिंग को लेकर सवाल किया कि हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं और इस समय गिरफ्तार करना, यानी इस समय जब जनरल इलेक्शन चल रहे हैं हम प्रचार नहीं कर सकते, ये हमारे राइट को वायलेट किया जा रहा है और प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी हुई है, इसलिए ये अवैध है। साथ